डीएसएल की ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एमटीडी न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा नाम शंभुचरण कुमार है, मैं नालंदा का वासी हूं। आज के डेट रखा गया था 23 तारीख को मनीराम के अखाड़ा पर हम लोग जमे हुए हैं। यहां पर हम लोग दो तीन काम से बैठे हैं। पहला नंबर ये कि हम लोग को पोस्ट कार्ड सर्वोच्च न्यायालय भेजना है और वो हम लोग को हाथ में है, ये सर्वोच्च न्यायालय के हम लोग भेज रहे हैं। दूसरा चीज़ कि हम लोग को 24 जगह 34 पन्ने वाला लेटर भी भेजना है जो हम लोग लोढ़ा कमेटी के पास ऑलरेडी भेज चुका हूँ। दूसरा हम लोग के यहाँ बारी बारी से सबको यहाँ भेजना है। आज 34 पन्ने का 3 पेज में साइन हुआ है जिसमें एक राष्ट्रपति के यहाँ देना है, एक प्रधानमंत्री के यहाँ देना है, एक आरएस बिर्क के यहाँ देना है। इसका ये तीन जगह का साइन हो चुका है। इसमें हम लोग को बहुत खर्चे आ रही है, इसलिए अब हम लोग सोच रहे हैं कि अगले माह से हम लोग सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग अपना सभी लोग ईमेल आईडी बना रहे हैं, ईमेल आईडी के द्वारा फिर हम लोग सारे जगह इसको भेजेंगे। आज के डेट में हम लोग सारे जो कस्टमर पीड़ित हैं, हमारे एजेंट को बहुत सारे को खेत जोत लिया गया है जो अभी आपके सामने बताए अपने मुख से, किसी का भैंस खोल लिया गया है, किसी का बैल खोल लिया गया है और प्रत्येक दिन घर पर आ करके और गल्लमगारी करता है कस्टमर। ये इतना ऐसा हम लोग उब चुके हैं कि बाल बच्चे बीवी हम लोग से परेशान हो चुकी है कि आप लोग ऐसा गलत काम किए हैं तब तो आप लोग को ये सज़ा मिल रहा है, ये आ करके गल्लमगारी करता है, ये अच्छा लगता है? तो मेरा श्रीमान से नम्र निवेदन है कि अब कितना लेट करेंगे, जब सर्वोच्च न्यायालय ने ये डिसीजन कर दिए कि कस्टमर ये पीएसएल का पैसा जो है आप प्रॉपर्टी बेच के लोढ़ा कमेटी को अख्तियार दिया गया कि आप पैसा वापस करें, ये लोढ़ा कमेटी साहब क्या कर रहे हैं ये हम लोग को पता नहीं चल रहा है। अगर उनसे ये मेरा नम्र निवेदन है लोढ़ा जी से कि वो आप विज्ञापन के द्वारा ये बता दें कि आपको फलाने तारीख से आपको पेमेंट चालू हो जाएगा। फरवरी और मार्च में हम लोग को 2500 वाला ऑनलाइन आवेदन लिया गया और उसका अभी तक एक पैसा नहीं भेजे हैं, तो सोचिए सर कि अभी हम लोग को और कितने पैसे हैं, ये सब इसको देने में लोढ़ा कमेटी को पसीना छूट जाएंगे, ये पैसा देंगे नहीं। इसलिए हमें माननीय मुख्य न्यायमूर्ति से हमें ये नम्र निवेदन है कि इसको संज्ञान में लेते हुए जितना जल्दी हम लोग को कस्टमर का पैसा वापस कराएँ। और हम लोग एक प्रतिज्ञा भी लिए हैं, माननीय नरेंद्र मोदी को मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ, अमित शाह को जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर भुगतान नहीं होगा तो हम लोग आने वाला जो होगा इलेक्शन उसमें मतदान नहीं करेंगे। हम लोग पहले भुगतान, पहले भुगतान, पहले भुगतान, पहले भुगतान, मतदान। इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं अनुज कुमार नालंदा से, मैं पीएसएल में 5 साल से काम कर रहा हूं। आज स्थिति ऐसा है कि मेरे घर पर कस्टमर लोग ग्रुप बना के आते हैं और मेरे घर पर गाली गलौज करते हैं। मैं घर छोड़कर अभी भागा हुआ हूं। आज के डेट में सारे विभाग बिका हुआ है, कार्यपाल का, न्यायपालिका, विधायिका, एक न्यायपालिका पर ही मेरा विश्वास है कि ये पैसा दिलाएगा, लेकिन न्यायपालिका जो विश्वास दिलाया है, जो आदेश दिया है, उस आदेश को पालन किया नहीं जा रहा है। सारे विभाग कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया तक बिका हुआ। इसके पहले हम लोग रैली किए थे जंतर मंतर पर, वहाँ लाखों आदमी था। वन पेंशन का एक वन रैंक वन पेंशन का एक गवर्नमेंट का ये मिलिट्री मैन का जो था उसमें 50 आदमी मात्र था, जिसमें मीडिया का पांच लोग लगे हुए थे। मैं मीडिया वाला को जाके बोला कि इधर लाखों आदमी है, 2 लाख आदमी से कम नहीं है जो धरना प्रदर्शन पीएसएल का कर रहा है, उसके पास आप क्यों नहीं जाते हैं? तो मीडिया वाला बोला हमको कंपनी जहां भेजेगा, सरकार जहां भेजेगा वहीं ना जाएंगे। यानी मीडिया पूरी तरह से बिका हुआ है, सरकार पूरी तरह से बिका हुआ है, पूरा भंगू मैनेजमेंट, मीडिया और इसका जो भी सीनियर है जिसके नाम से संपत्ति
कंपनी दिए हुए है, कंपनी के नाम से संपत्ति दिए हुए है। कंपनी तो महाचूतिया हम लोग के बनाया, सारा संपत्ति इसका 10% ही कंपनी के नाम से है, बाकी 90% उसका मैनेजर के नाम से, सीनियर के नाम से, उसका जो निजी आदमी था उसके नाम से कंपनी आज पैसा लगाए हुए है। और सारे सारे संपत्ति को वो सेल कर रहे हैं, लोड़ा कमेटी को पता भी नहीं है। आज द न्यू द जीरो चैनल ने एक खुलासा किया है और उसको 34 पन्ना में 24 जगह सारे विभाग को भेजा गया है प्रपोजल, हम लोग भी भेजे हैं। तो उसके लिए धन्यवाद देता हूँ न्याय जीरो चैनल को कि हम लोग को न्याय मिले, और हम लोग बहुत कष्ट में हैं। तो हम सरकार का विरोध करते हैं, सबसे पहले कि हम सरकार का विरोध करते हैं। कांग्रेस के सरकार में बंद हुआ कंपनी, और सेबी को बीजेपी ने इतना पावर दे दिया कि वो पावर का दुरुपयोग करके सरकार की मिली भगत से आज हम लोग को परेशान किया जा रहा है। न्यायालय का भी बात को माना नहीं जा रहा है, जो न्यायालय निर्णय दिया उसको भी अवहेलना करके सारे मीडिया और ये सरकार और ये मैनेजमेंट अपना गोटी सेट कर लिया है। इसलिए 24 विभाग को भेजे हैं, कहाँ कहाँ पैसा देगा, कहाँ कहाँ खरीदेगा। हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अंत में यही होगा कि मेरी बहुत से लोग आत्महत्या किया है, मैं भी आत्महत्या ही करूंगा। क्या हमको न्याय नहीं मिलेगा? बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। थैंक यू। माननीय न्यायमूर्ति महोदय नमस्कार। आज मैं बड़े दुख के साथ ये कहना चाह रहा हूं, इस उम्र में मैंने कुछ पैसे जमा किए थे और कुछ लोगों से करवाए थे, 16 में पुर गया, 15 में पुर गया, आज तक किसी का पैसा नहीं मिला। जबकि 2 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका ये आदेश दे रखा था कि 6 महीना के अंदर में सारे कस्टमर को ज़मीन बेच करके देना है, पर आज नहीं दिलाया जा रहा है। इसके कारण हम लोग मर्द होकर के आज जो है बकरी से भी बदतर बने जा रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, लोग जो है खिल्ली उड़ाते हैं, गांव समाज में कहीं पर नहीं रहते हैं। तो आज से भी बंद किया है, लेकिन दिलवा क्यों नहीं रहा है, ताला खुलवा क्यों नहीं रहा है, क्या उसको लग रहा है? सर जी एक नारा है पैसा हमारा आपका, नहीं किसी का बाप का। 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 सेबी गरीब ग्राहकों को पैसा देना होगा, देना होगा, देना होगा। सेबी गरीब ग्राहकों का पैसा देना होगा, देना होगा, देना होगा। धन्यवाद। विशेष अपनी बात को यहीं पर समाप्त कर दिया है। जय भारत।